नमस्कार, मैं हूँ आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आईबीएन 24 पर। दिव्यांशु बुद्धि राजा का जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो भरवाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से निकल गए और अब असंध के विधायक शमशेर सिंह हो गए। शमशेर जी, किस किस का नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया गया? एमपी कैंडिडेट दिव्यांशु बुद्धि राजा और सरदार त्रिलोचन सिंह जी एमएलए के लिए दोनों का फॉर्म भरवा दिया है और आने वाली 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। उस दिन आपको एक एमएलए और एक एमपी कांग्रेस देगी। क्या लग रहा है आपको, जीत कैसी होगी, क्योंकि मराठा वीरेंद्र वर्मा उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन कल फाइल। सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है जी, ठीक है ना, तो सब ने भरा है। रिजल्ट तो उस दिन आएगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि इस बार जनता और एक तानाशाह मोदी के बीच में इलेक्शन है और जनता उसी को जिताएगी जो बीजेपी को हरा सकता है, और हराने में सक्षम सिर्फ कांग्रेस है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गए थे आपके इलाके में असंध, वहां किसानों ने बहुत विरोध किया है, काले झंडे दिखाए, किस तरह से भाई? ये तो कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। किसानों के ऊपर कितनी तशद्दत हुई है, 750 किसान शहीद हुए और फिर उनके घर में जाके ताड़ियां बजाओगे, ढोल बजाओगे तो तकलीफ होगी। जिनके मर्जे लोग अफसोस करने जाते हैं। क्या मार्जिन रहने वाला है दिव्यांशु बुद्धि राजा की? आप देखना, ऐसा मार्जिन रहेगा वे खट्टर साहब दोबारा करनाल से जीटी रोड से भी नहीं निकलेंगे। आज ना तो सुमित, और बता दीजिए भी ना तो जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, पूर्व विधायक हैं, बड़े नेता हैं, कोई भी साथ नजर नहीं आ रहा। क्या अभी भी इस बात को लेके कांग्रेस बटी हुई है, भी टिकटों का बंटवारा ठीक नहीं हुआ? ये आपका सवाल ही गलत है। मेरे से बड़ा कौन है बताया, ना भारी है कोई, और जब मैं यहाँ हूँ तो सब यहाँ है। आप कह रहे हैं हाथी के पैर में सबका। आप देख सकते हैं कि शमशेर सिंह भोगी है, असंध के विधायक है, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बड़ी जीत होगी, कोई बड़ा नेता आए या ना आए, मेरे से बड़ा नेता कौन है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। गोगी साहब, अब चुनाव की टिकटें डिक्लेयर हो गई है, सब कुछ हो गया है, अब क्या तैयारी लग रही है? 10 में से कितनी सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है हरियाणा में? से 10। 10 में से 10। आप देखना तमाशा होगा यहाँ, सब का मतलब ऐसा हाल होगा जैसा 77 में हुआ था। कांग्रेस एकजुट क्यों नहीं नजर आ रही? लीडर तो देखिए होने चाहिए ना, लोगों के बीच में तो गलत मैसेज जाएगा कि कांग्रेस के तमाम लीडर्स नजर नहीं आ रहे। सारे लीडर यहाँ हैं और जो कोई एक आता, किसी की मजबूरी होगी जो नहीं आया। बहुत इलेक्शन में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कोई किसी तरह कांग्रेस में गुटबाजी है ही नहीं। आप देख सकते हैं कि शमशेर सिंह गोगी असंध के विधायक है, कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है। और दिव्यांशु बुद्धि राजा ने लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस की ओर से जो नामांकन है वो भरा है, और दूसरी तरफ जो त्रिलोचन सिंह है उन्होंने कांग्रेस के जो विधायक पद है उसके लिए, जो उपचुनाव करनाल में हो रहा है उसके लिए नामांकन भरा है। अब देखना होगा कि आने वाली 25 मई को क्या कुछ जो वोटिंग है होती है और 4 जून को नतीजे किस तरह के रहते हैं।